मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह बिजी होते हैं, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। फरवरी में ईंधन की मांग में आई तेजी, पेट्रोल और डीजल की खपत में हुआ 2 अंकों का इजाफा। फरवरी के पहले 15 दिनों में पेट्रोल की बिक्री 18% बढ़ी। 1 से 15 फरवरी के दौरान डीजल की बिक्री करीब 25% बढ़ी। ट्रकों का परिचालन बढ़ने और कृषि क्षेत्र में तेजी ने बढ़ाई ईंधन की मांग। टेलीमार्केटिंग कंपनियों से जल्द मिलेगा मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को छुटकारा, क्योंकि ट्राई ने बार बार परेशान करने वाले अनधिकृत संदेश भेजने पर रोक लगाने के लिए दिए हैं निर्देश। दूरसंचार कंपनियों को अब लगाना होगा अनधिकृत और गैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर रोक। आपको बता दें कि निर्देशों का पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। भारतीय स्टेट बैंक ने रेकरिंग डिपॉजिट पर बढ़ाया ब्याज, 15 फरवरी से लागू हुई नई दरें। सामान्य नागरिकों को आरडी पर मिलेगा अब 6.5 से 7% तक का ब्याज, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 0.5% ज्यादा ब्याज। 5 से लेकर 10 साल तक वाली आरडी पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा सबसे ज्यादा 7.5% तक का रिटर्न। डीसीबी बैंक ने बचत खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज में किया इजाफा। डीसीबी बैंक ने ग्राहकों के लिए सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर किया 7% से ज्यादा। डीसीबी बैंक ग्राहकों को मिलेगा बचत खाते पर 7.25% इंटरेस्ट। बचत खाते में जितनी ज्यादा रकम होगी जमा, उस पर मिलेगा उतना ही ज्यादा फायदा। सेविंग अकाउंट के साथ ही डीसीबी बैंक ने बढ़ाया एफडी पर मिलने वाला ब्याज। सीनियर सिटीजन को बैंक दे रहा है 8.5% तक का ब्याज। 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर 16 फरवरी से लागू हुई नई दरें। आपको बता दें कि 7 दिन से लेकर 120 महीने वाली एफडी पर सीनियर सिटीजन को मिलेगा 4.25% से लेकर 8.10% तक का ब्याज। सामान्य नागरिकों को 15 महीने से लेकर 18 महीने की एफडी पर मिलेगा अधिकतम 7.85% इंटरेस्ट रेट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 200 दिन वाली विशेष एफडी पर ब्याज दर बढ़ाकर की 7%। 400 दिन वाली एफडी पर ग्राहकों को मिलेगा अब 6.75% इंटरेस्ट। 14 फरवरी से लागू हो चुकी हैं नई दरें। सोने में थम नहीं रही गिरावट, गुरुवार को सराफा बाजार में सोना 50 रुपए हुआ और सस्ता। 10 ग्राम सोने का भाव घटकर हुआ 56,270 रुपए। चांदी की कीमत 140 रुपए बढ़कर हुई 65,720 रुपए प्रति किलोग्राम। अमेरिका में ब्याज दर और बढ़ने से सोने पर आ सकता है और दबाव। साल 2023 की पहली छमाही में आईटी सेक्टर में होगी छटनी, हर लेवल के कर्मचारी और अधिकारी होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित। नौकरी.com ने बताया अन्य क्षेत्रों में कम होगी छटनी, आईटी उद्योग पर अगले कुछ महीनों में छटनी की पड़ सकती है सबसे ज्यादा मार। हाल ही में अपना करियर शुरू करने वाले युवा कर्मचारियों पर कम होगा छटनी का असर। IDFC फर्स्ट बैंक ग्राहकों को बचत खाते पर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज। बैंक बचत खाते पर देगा अब 6.75% तक का ब्याज। 15 फरवरी से लागू हो चुकी है ब्याज की नई दरें। 10 लाख रुपए तक की बचत पर बैंक देगा 4% का ब्याज। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की जमा पर मिलेगा 6.25% का ब्याज। HDFC बैंक ग्राहक भीम ऐप पर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड का कर सकते हैं UPI पर इस्तेमाल। HDFC बैंक UPI पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने वाला बना पहला प्राइवेट बैंक। डिजिटल पेमेंट के लिए ग्राहकों को मिलेगी अधिक विकल्प और बेहतर सुविधा। RBI ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में 54 कंपनियों को दी मंजूरी। इसमें शामिल है Amazon Pay, Google, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट और Zomato, Paytm जैसी इकाइयां। आपको बता दें कि RBI ने 28 नई इकाइयों को दी है पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी। 57 इकाइयों के आवेदन को RBI ने कर दिया है वापस। सरकार ने डीजल, ATF और कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी घटाया गया टैक्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के चलते की गई है कटौती। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी को होगा इससे सबसे ज्यादा फायदा। एथर एनर्जी इस साल के अंत तक लगाएगी 2500 चार्जिंग स्टेशन। इससे इलेक्ट्रिक वाहन से यात्रा को सुगम बनाने में मिलेगी मदद। अभी तक कंपनी 80 शहरों में लगा चुकी है 1000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए तेज चार्जिंग ढांचे की है सख्त जरूरत। और 10 में से 6 भारतीय कंपनियों ने जताई ज्यादा फ्रेशर्स को नियुक्त करने की इच्छा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और छटनी के बीच फ्रेशर को मिले गए नौकरी के ज्यादा मौके। फ्रेशर पर छटनी का असर भी होगा कम। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।